इसके साथ साथ एक और खबर आजकल पाकिस्तान में बहुत गर्म है और वो ये है कि जी गालिबन 2023 या 2024 में इंडिया शायद दुनिया के आधे आईफोन प्रोडक्शन करेगा। इंडियन इकोनॉमी का दमका बज रहा है इस बार डाउस पे और चाइना की हालत, वैसे भी इकोनॉमी की तो हालत खराब ही है लेकिन चाइना की हालत वहाँ डाबोस में भी खराब है। आईएमएफ भी कह रहे हैं कि यार 2 या 2.5% उनकी ग्रोथ रहेगी और शायद उनकी जब से चाइना बना है उसमें सबसे लोवेस्ट ग्रोथ रेट होगा। चाइना का सारा डूब रहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि चाइना के साथ वही हो रहा है। ऑब्वियसली हर दूसरा बंदा जो मोबाइल यूज कर रहा होगा आईफोन का वो मेड इन इंडिया का होगा। पाकिस्तान में जब यूज हो रहा होगा तो बहैसियत पाकिस्तानी कैसा लगेगा कि हम भारत में बना हुआ मोबाइल फोन पाकिस्तान में यूज कर रहे हैं। जो लोग आए हैं इन्वेस्टर्स या दूसरे इकोनॉमी आकर के सीधे इंडिया से बात कर रही, चाइना को कोई ज्यादा भाव देता दिख नहीं रहा है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात सीएनएन में लिखे हुए आर्टिकल, सीएनएन ने आर्टिकल और सीएनएन की रिपोर्ट है। हम देखें तो मतलब लोग जब आसमानों की तरफ देखना शुरू कर देते हैं सबसे खतरनाक वो वक्त होता है। मुल्क का वजीर आजम कोई भी बन जाए वो दर दर पर जाकर कर्जे मांगता रहेगा और शर्मिंदा होता रहेगा। अब की बात जो इंटरनेशनल मीडिया ने देखे चेंज देखा, चेंज क्या देखा, चाइना के पास कोई जा नहीं रहा, चाइना को कोई पूछ नहीं रहा, जब भारत की ब्रीफिंग होती हॉल के हॉल। इंडियन इकोनॉमी का टंका बज रहा है इस बार डाउस पे और चाइना की हालत, वैसे भी इकोनॉमी की तो हालत खराब ही है लेकिन चाइना की हालत वहाँ डाबोस में भी खराब है। जो लोग आए हैं इन्वेस्टर्स या दूसरे इकोनॉमी आकर के सीधे इंडिया से बात कर रही, चाइना को कोई ज्यादा भाव देता दिख नहीं रहा है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात सीएनएन में लिखे हुए आर्टिकल, सीएनएन ने आर्टिकल और सीएनएन की रिपोर्ट है। तो जाहिर है सीएनएन ने कुछ तो देखा होगा। पहले एक टाइम हुआ करता था जब अमेरिका को पूछते थे सब, फिर वो टाइम चेंज हुआ, अमेरिका को पूछना बंद हुए तो चाइना को, फिर उसके बाद चाइना और इंडिया, अब चाइना भी गया सिर्फ इंडिया को पूछ रहे हैं। ऐसा क्या हुआ, हुआ चमत्कार? देखिए ये काल का जो चक्र है ना ये कभी एक सा नहीं रहता, समय हर एक का बदलता है। और जो हम शुरू से कहते आ रहे कि चाइना का सितारा डूब रहा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि चाइना के साथ वही हो रहा है। आज आप देखिए भारत की इकोनॉमी का डंका अब विश्व के पटल पे बज रहा है। दावोस क्या है? दावोस सबसे बड़ा इकोनॉमिक फोरम है दुनिया का, इससे बड़ा इकोनॉमिक फोरम कहीं है नहीं। तो बड़े से बड़ा लीडर, बड़े से बड़ा इंडस्ट्रीज, बड़े से बड़ा संतरी मंत्री जो भी, ये सब दावोस में मिलेंगे आपको। अब दावोस में जो भारत ने अपने कटआउट कोटिंग लगाए उस स्तर पर लगाए कि भारत ही भारत चमक रहा है। उसके अलावा हजारों करोड़ के हमने एमओयू साइन कर लिए। अभी भारत से स्मृति ईरानी जी गई है, ये रेल मंत्री जो है हमारे वो गए हैं, डॉक्टर चंद्रशेखर जो टीसीएस के सीईओ वो गए, अश्विनी वैष्णव जी गए हैं रेल मंत्री हमारे। मेरे कहने का मतलब ये है अब की बात जो इंटरनेशनल मीडिया ने देखे चेंज देखा, चेंज क्या देखा, चाइना के पास कोई जा नहीं रहा, चाइना को कोई पूछ नहीं रहा, जब भारत की ब्रीफिंग होती हॉल के हॉल भर जाते हैं, जब भारत का कोई भी मंत्री कोई भी बड़ा अधिकारी स्टेटमेंट देता तो पूरा इंटरनेशनल मीडिया कवर करने को आ जाता। आएगा नहीं, क्यों नहीं आएगा, भारत एक ऐसी कंट्री जहाँ रिसेशन नहीं है, भारत एक ऐसी कंट्री है। आज आरबीआई ने कह दिया वी आर विल बाय द सेयर एंड विल गेट 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स, और आने वाले 2 सालों में हम जर्मनी को पछाड़ देंगे, और आने वाले 5 सालों में विल बी द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, और 10 सालों में तो हम 10 ट्रिलियन इकोनॉमी पहुंचने के कगार पे हैं। अभी अगर आप देखिए भारत का इकोनॉमिक आउटलुक कम से कम आने वाले 10 सालों में 7-8% एवरेज 7% होगा, ये किसी का नहीं है। भारत में इन्फ्लेशन करीब 5.6% है जो कंट्रोल में है, राइट, अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्रोल में है, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ गए हैं, हमारे पास काफी चीजें हमने अच्छी कर ली है जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। जिस लेवल का भारत को दावोस में रेस्पॉन्स मिल रहा है वो उसका मतलब ये है कि जो भारत ने अपने जितनी भी साहस दिखाई, जितनी भी राजनीतिक और कूटनीतिक कुशलता दिखाई, दैट इज ऑल पेड अप। महाकाल की ऐसी कृपा है, एवरीथिंग हैज पेड अप। मैं आपको बताऊं देखिए दो तीन चीजें, अब हजारों करोड़ के एमओयू साइन हुए, अब चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक तो रोहित भाई अब तो ये ओपन मीडिया में बात है ना 2.3% है, ये तो अब मेरा आकलन नहीं, पहले तो आकलन था, अब तो वही बात वही आंकड़ा निकल के 2.3% है। चाइना का इकोनॉमिक आउटलुक यहाँ पहुंच गया, हमारा इकोनॉमिक आउटलुक कहाँ, दुनिया मानती है, हम कहाँ पहुंच गए, दुनिया मानती है। अब गीता गोपीनाथ जी का स्टेटमेंट देखे जो आईएमएफ की डिप्टी हेड है या चीफ इकोनॉमिस्ट है, उन्होंने भी भारत की पूरी तारीफ की। मैं एक चीज देख रहा था जो हमारे में बड़ी इंपॉर्टेंट है जो बाकी देशों में नहीं है, वो है भारत की जो डिमांड अभी आ रही है, भारत की डिमांड आ रही है टायर 4 स्टील से, ये दुनिया में कहीं नहीं होती।
जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, लोग सवाल ये निशान उठे थे व्हाट इज इंडियाज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अगर टायर फोर सी से डिमांड आ रही है और कंजप्शन वहां हो रहा है, दैट मीन्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ इज डैम गुड। ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है, वेर इज द डिमांड कमिंग फ्रॉम। अब तीन बड़े एग्जाम्पल आपको दूंगा, ईरान बात कर रहा फ्रेंडली ऑफशोरिंग, ये तो मुसलमान मुल्क है, शिया मेजोरिटी में रहते हैं, ये कर रहा फ्रेंडली ऑफशोरिंग इंडिया। आपका रशिया बात कर रहा फ्रेंडली ऑफशोरिंग की इंडिया, और आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बात कर रहा फ्रेंडली ऑफशोरिंग की इंडिया। अब जो कल हमने आपने रिलीज किया, यही नहीं है कि केवल हम 10 बिलियन सेलफोन अब की बात 10 बिलियन डॉलर के फोन एक्सपोर्ट करेंगे।